आज हम कक्षा 9 गणित में एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। x प्लस 1 की पावर 3 माइनस x प्लस 1, x प्लस 1 कॉमन लेंगे, x प्लस 1 की पावर 2 माइनस 1, x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 एक्स माइनस 1 से 1 कैंसिल, x प्लस 1 इसमें से x कॉमन लेंगे, x प्लस 1 इंटू x प्लस 2, पी एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 3। हमें दिया हुआ है कि जी एक्स प्लस 3 इसका एक फैक्टर है, इसलिए हम जी एक्स को 0 के बराबर रखेंगे तो एक्स की वैल्यू माइनस 3 आएगी। पी माइनस 1 निकालेंगे तो ये 3 के माइनस 3, क्योंकि इसका फैक्टर है तो पी माइनस 3 बराबर 0 होगा, के की वैल्यू 1। क्वेश्चन नंबर 20, पी एक्स दे दिया हमें 2 एक्स क्यू माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स प्लस 10, जी एक्स एक्स प्लस 2, सेम जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, देयर फोर पी माइनस 2 इक्वल टू 0, माइनस 12 माइनस 4 के इक्वल टू 0 या के वैल्यू माइनस 3। पी एक्स 3 एक्स स्क्वायर माइनस एम एक्स माइनस एन एक्स, एक्स माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, देयर फोर पी इक्वल टू 0, 3 ए स्क्वायर माइनस एम ए माइनस एन इक्वल टू 0, 3 ए स्क्वायर माइनस एम प्लस एन टू ए इक्वल टू 0, ए की वैल्यू एम प्लस एन अपॉन 3। पी एक्स स्क्वायर पी एक्स इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स प्लस आर, एक्स माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स एंड एक्स माइनस 1 अपॉन 2 इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, देयर फोर पी 2 इक्वल टू 0 और पी माइनस 1 अपॉन पी 1 अपॉन 2 इक्वल टू 0। पहले से एक इक्वेशन बनेगी 4 पी प्लस आर प्लस 10 इक्वल टू 0, दूसरी इक्वेशन बनेगी पी अपॉन 4 प्लस 5 अपॉन 2 प्लस आर इक्वल टू 0, दूसरे को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, पी प्लस 4 आर प्लस 10 इक्वल टू 0। पहली इक्वेशन 4 से मल्टीप्लाई करके इसके नीचे रखते हैं, 16 पी प्लस 4 आर प्लस 40 इक्वल टू 0, 15 पी इक्वल टू 30 आएगा, पी की वैल्यू 2 आएगी। इतना ही करेंगे आज, थैंक यू।